तो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। और आप देख रहे हैं हैप्पी वाली बॉयज। सो मैं हूँ अरफान। और यार, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी और हमारे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। और अब हमारे एग्ज़ाम हो गए, जो तो हम लोग खेल रहे हैं हीरो ब्राइन और उसमें हम लोग मल्टीप्लेयर सर्वाइवल खेलेंगे। तो ये तो इंट्रो था और हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत से चीज़ें कर ली। आप देख सकते हैं, हमने एक घर बनाया था। मैं आपको घर दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर एक छोटा सा बेड है और इतना ही घर है यार। और ये देखिए, ये मैंने पूरा, पहले हमारे यहाँ एक घर था छोटा सा और वो घर किसी ने चुरा लिया वहाँ से। और ये देखिए, ऐसे है हमारा घर, नया घर। और यहाँ से मैं थोड़ा सा स्टोन ले लेता हूँ क्योंकि हमें स्टोन ब्रिक्स बनाना है। पहले भी हमने घर बनाया था पर किसी ने वहाँ से चुरा लिया हमारे सामान। और यार सही में, हम लोगों ने चेस्ट में हमारे डायमंड्स रखे थे और बहुत कुछ रखा था और सब कुछ चुरा लिया। और हम लोग ने ये पहले ही सर्वाइवल ज्वाइन कर लिया था इसलिए। और यहाँ पर ना मैंने शुगर केन रखा था, किसी ने मेरे शुगर केन भी चुरा लिए। और अब मैं यहाँ स्टोन ब्रिक्स रखता हूँ और सिर्फ दो ही रखूँगा और ज़्यादा नहीं रखूँगा। यार लास्ट टाइम रखा था और मतलब मुझे, मेरे पास 8 ही थे और मैंने ये 2 रखा था, उससे मैंने और 2 ले लिए और फिर मेरे पास 8 हो गया और फिर किसी ने चुरा लिया। शायद ये ग्लिच से शायद हमारे गायब होने, पता नहीं यार क्या हो रहा है। पर यहाँ पर हाँ, मैं स्टोन ब्रिक्स बनाने के लिए आया था और मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। तो अब हम लोग स्टोन ब्रिक्स पूरा का पूरा बना लेते। और ये 60 स्टोन ब्रिक्स तो मतलब हाँ अच्छे हैं पर काफ़ी नहीं होंगे शायद। और मैं पहले तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। और तब तक के लिए बाय। हाँ तो मैंने, गाइस मैंने यहाँ तक इतना कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर, यहाँ ये हमारा चेस्ट रूम होगा। ऊपर के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और मैं पूरा पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं करूँगा अभी के लिए। मतलब करूँगा पर अभी के लिए पूरा कंप्लीट नहीं कर दूँगा। और ये मेरे स्टोन ब्रिक्स ख़त्म हो गए और मैं और स्टोन्स लेने के लिए गया हूँ। और यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर मैं लग देता हूँ सब कुछ। यार मैंने स्टोन्स लाया, मैं स्टोन ब्रिक बनाना ही भूल गया। और ये मैं सब कुछ 2x में स्पीड, टू फास्ट इंटू 2x कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो चुका है गेम। और अगर मैं स्लो, अगर मैं ऐसे नॉर्मल स्पीड में रखता तो शायद यार वो 1 घंटे का हो जाता। और जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की ना तो 1 घंटे का वीडियो था, 1 आवर 13 मिनट्स का। तो इसलिए ये पहले तो हम लोग 14 सिर्फ 20 मिनट्स का वीडियो, 20 मिनट्स खेल पाते थे इसलिए, थोड़ा ही खेल पाते थे इसलिए हम लोग नहीं कर। इस बार हमारी छुट्टियां स्टार्ट हो चुके हैं तो इसलिए मैंने, अब हम लोग 1 आवर खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ, 1 आवर से ज़्यादा नहीं। पर इस बार हमने 1 आवर 13 मिनट खेला इसलिए। यार बहुत मुश्किल हो गई थी ये वीडियो एडिट करते समय। और आप देख सकते हैं बाहर से हमारा घर उतना अच्छा नहीं दिख रहा पर अंदर से अच्छा दिख रहा क्योंकि बाहर मैंने पूरा बराबर से नहीं किया। और ये आ गया स्केलेटन भाई, इसे मारना होगा। इससे पहले ये मुझे मारते, हमें इसे मारना होगा। मार दिया यार उसने मुझे, एक बार मार दिया था तो मैंने कट कर दिया वो सीन क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी। और मतलब मैं, एक मिनट, आहिल को एक केव मिला हमें, वो केव के पास। ओके आहिल को, आहिल ने बोला उसे केव मिला, वो हमें वहाँ पे बाद में लेके जाएगा। तो यहाँ पर मैं, और पहले माइनिंग करता था और यहाँ पर मुझे बहुत कोल मिला पर एक आयरन भी नहीं। उसके बाद यार अब मैं, ओके तो ये केव है वो। और यहाँ से मैं पहले तो ये निकाल लेता हूँ। यहाँ आहिल ऑलरेडी आ चुका है। और अब गाइज आपको पता है हमें आए डायमंड्स मिले थे, बहुत सारे डायमंड। और एक इंसान ने आके चुरा लिए पूरा का सारे। मुझे शायद 7 डायमंड्स मिले थे और आहिल को 6। हमने उससे दोनों के लिए एक पिकैक्स बनाया और चेस्ट में थे 5 डायमंड्स, ठीक है। और फू पूरा चेस्ट ही गायब कर दिया उसने। और ये मैं कोल यहाँ पर रख रहा हूँ, बाद में आके ले लूँगा। और अभी मेरे पास यार कोल ही नहीं है।
ओके मैं पहले तो कॉल ले लेता हूँ। ओके अब आ गए 18 कॉल्स आ गए और अब चलते हैं यहाँ से। ओके हाँ यहाँ पर आयल ने माइन किया और हम लोग आज डायमंड ढूंढेंगे। अगर हमें थोड़ा भी डायमंड मिलेंगे तो वो इनाफ होंगे, क्योंकि हमें डायमंड से कुछ ज़्यादा नहीं करना, हमें सिर्फ एक इंचांटिंग टेबल बनाना है। तो हम लोग डायमंड के माइन में चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या आयल मैं इस तरफ करता हूँ, तुम इस तरफ कर। आहिल इस वीडियो में बात नहीं करेगा क्योंकि उसका माइक भी बराबर है पर उसने अपना ये रिकॉर्ड नहीं किया वॉइस, तो और बाद में वो वॉइस ओवर नहीं करना चाहता। और ये हमारे ऊपर एक सिल्वर फिश ने अटैक किया था और हमने सिल्वर फिश को मार दिया। पता नहीं मेरा लेफ्ट क्लिक है ना काम ही नहीं कर रहा था, और फिर जब हम लोगों ने लेफ्ट क्लिक ये कर दिया फिर हमारा मेरा लेफ्ट क्लिक, जब उसने हमारी थोड़ा एचपी लेना स्टार्ट कर दिया तब हमारा लेफ्ट क्लिक काम करा। और शायद मेरा माउस ख़राब हो गया था और हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल ही नहीं है। ओह माय गॉड, और ये पता नहीं इस गेम में सर्वर शायद सर्वर ग्लिच होगा, मैं ये वुड पिक ही नहीं कर पा रहा था और उसमें से मेरा क्राफ्टिंग टेबल भी गायब हो चुका था। तो आहिल को एक बार माइन शाफ्ट मिला, एक छोटा सा माइन शाफ्ट था वो, पर उसके बाद वो हमें बहुत बड़ा माइन शाफ्ट मिला था। तो स्टार्टिंग में जब हमने देखा तो बहुत छोटा था, तो इसलिए आहिल ने बोला यार शायद छोटा माइन शाफ्ट होगा, उसका पार्ट कहीं और होगा। पर मुझे लगा कि माइन शाफ्ट तो छोटे नहीं होते। और यार मैं ये बोन रख रहा हूँ क्योंकि हमें वीट सब उगाना था, पर शायद मैं आगे से फेंक दूंगा क्योंकि जब मैंने नेक्स्ट टाइम अपना इन्वेंट्री देखा था तो वो इन्वेंट्री में नहीं था, मैंने ग्रेवल फेंक दिया। और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फर्नेस ताकि आयरन स्मेल्ट कर पाऊँ। आप देख सकते हैं मेरा आयरन का पिकेक्स जाने ही वाला ही, और आयरन इसलिए आयरन का पिकेक्स इसलिए क्योंकि डायमंड का पिकेक्स, क्योंकि डायमंड तो हमें लेना है। और मैं अपने आयरन से इंचांटमेंट निकाल दूंगा, एफिशिएंसी 1 का इंचांटमेंट है और मैं बाद में इंचांट कर दूंगा। और हमें इंचांटमेंट के लिए लैपिस चाहिए जो कि हमारे पास सिर्फ 3 ही है, और हमें यहाँ पर एक माइन शाफ्ट मिला, आप देख सकते हैं एक छोटा सा माइन शाफ्ट था, पर बाद में जब हम लोगों ने देखा तो वो बहुत बड़ा माइन शाफ्ट था। और फिर हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका वेट कर रहे थे। और मैं देख रहा था कि कहीं आयरन मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि आयरन की बहुत कमी हो रही थी, पर हमें गोल्ड मिल रहा था तो हमने गोल्ड ना लिया। और मैंने साइड में आयरन ही नहीं देखा, और यार मैं अभी 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 देख रहा हूँ मैं, और मुझे लावा से अब देख सकते हैं क्या हो गया। यार मैं वर्ड ही भूल गया, हाँ मुझे लावा से डैमेज मिलना शुरू हो गया और आधे हार्ट में बचा हूँ मैं, सही में आधे हार्ट में। तो मैं खा लेता हूँ, और मुझे बहुत से आयरन मिले माइन शाफ्ट में, जैसे हमें माइन शाफ्ट का बहुत बड़ा पार्ट मिला इस बार, मतलब वही माइन शाफ्ट के थोड़ा आगे था। और मेरे पास पिकैक्स, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था मेरा आयरन का, तो मैंने स्टोन पिकैक्स आयल से मांगा और उसने मुझे स्टोन पिकैक्स दे दिया। और ये देख बहुत सारा आयरन मिला हमें यहाँ पर, और ज़्यादा नहीं मिला मतलब ज़्यादा मतलब 16 13 कुछ मिला। और हम लोग फिर माइनक्राफ्ट एक्सप्लोर करते रहे और हमें माइनक्राफ्ट में कुछ नहीं मिला सिवाय बेकार से पटरियों के, क्योंकि हमें बाद में हमारे केव में आने के लिए इन पटरियों की ज़रूरत हो सकती थी इसलिए हमने ले लिया। और आहिल को थोड़े से एमरल्ड मिल गए, मतलब एमरल्ड तो मुझे अभी तक नहीं मिला था और हमें इस बार मिल गए थे, और आहिल को 2 मिले। और फिर हम पूरा केव एक्सप्लोर करते रहे करते रहे करते रहे कर और फिर हम लोगों ने हमारा आयरन तो फुल हो चुका था, तो मैंने एक आयल को पिकैक्स दे दिया और मैं भी एक आया पिकैक्स से माइनिंग करना हम लोगों ने शुरू कर दिया था। और हम लोग वेट कर रहे थे कि हमें डायमंड मिले, और हम लोग एग्जैक्ट 12 में थे तो हमें डायमंड मिल सकते थे। और आपको डायमंड XYZ में आपको दिखेंगे, बीच का जो 12 होता है शायद वही होता है क्योंकि मुझे वहाँ पर ही डायमंड मिलते हैं यार, तो शायद वही होगा। और
और वही 12 दिखाता है और कोई चीज 12 नहीं दिखाता। वैसे तो ब्लॉक 12, ब्लॉक में भी 12 आप देख सकते हैं। सो वैसे मैं माइनिंग करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, वैसे ज़्यादा माइनिंग नहीं किया हम लोगों ने, पर किया माइनिंग। और आहिल ने बोला मैं इस साइड से माइनिंग करता हूँ तो तुम उस साइड से माइनिंग करोगे, और हम लोगों ने माइनिंग यार करते रहे, सब कुछ करते रहे रहे थे। और मुझे मिला डाइमंड, और डायमंड में मुझे मिले थे 6, कुछ ज़्यादा ही डायमंड मिल गए थे। और जब तक मैं माइन कर रहा था आहिल 2 लेके भी चले गया, मतलब मैं माइन कर रहा था और मेरे इन्वेंट्री में स्पेस फुल था, और आहिल ने मेरे डायमंड्स ले लिए। आप देख सकते हैं, आहिल मेरे 2 डायमंड दे दो, मैं उसे अपने 2 डायमंड देने के लिए कह रहा था और वो मैं दे दूंगा, और उसने दिए और फिर से ले लिए। तो मैंने बोला तुम ही डायमंड रखो, मैं बाद में ले लूँगा बोल के। सो फिर हम लोग फिर से माइनिंग करते रहे करते रहे करते रहे, 3 साल से माइनिंग कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं मिल रहा। और मुझे कुछ थोड़े रेडस्टोन मिले और मैं बोला मैं इनके बाद में इनको ले लूँगा। और वैसे मेरे पास ऑलरेडी 64 रेडस्टोन हो चुके थे, तो मैंने बोला आहिल तुम वाटर के बकेट बना के लिए मुझे 3 डायमंड 3 आयरन दे दो, और उसने 3 दिन दिए और मैंने अपने डायमंड के पिकैक्स ये कर लिए थे। और ये डायमंड हमें पहले भी डायमंड मिले थे, मैंने आपको बोला था, तो उसके ही डायमंड के ये थे ये। और फिर मैं लावा के खोज में घूमता रहा और मुझे मिल गया लावा, और ये लावा मतलब सही में सिरदर्द ही कर दी थी इसने, मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। और स्कॉप वेब का तो मतलब बोलो ही मत। और मैंने साइड से किया और मुझे कुछ नहीं मिला, और मैं आहिल को लावा का पूल मिल गया तो उसने मुझे टीपीए कर दिया, और यहाँ पर लावा का पूल था तो मैंने लावा के पूल की तरफ बढ़ा और मैंने सारा का सारा ऑब्सीडन ले लिया, क्योंकि मुझे नेदर पोर्टल भी बनाना था, तो मैंने नेदर पोर्टल के लिए भी ऑब्सीडन ले लिया, और सिर्फ इतना ही बोलना था। और मैंने ऑब्सीडन, तो मुझे टोटल 14 ऑब्सीडन चाहिए थे क्योंकि नेदर भी बनाना था। नेदर के लिए 10 चाहिए थे, शायद 10 या 9 ही चाहिए थे, वो मुझे नहीं पता, पर मैंने 14 ले लिए। जितना मुझे लगता है 10 ही चाहिए, और हमने पूरा कर लिया, पूरे ये ले लिए थे। और अब मैं देख रहा था कि इसमें डे कहाँ है, और इस सर्वर के एडमिन ने डे ही निकाल दिया हमारे से, या शायद है मुझे नहीं दिख रहा, मैं देख रहा था कितना दिन हो रहा था और पता नहीं यार, मैं नहीं देख पाया, मुझे मिला ही नहीं वो। और फिर हम लोगों ने हमारा घर ढूंढने के लिए हम लोग तो हम मैंने रास्ता ही भूल गया था, और मुझे अब पता चला कि मैं हमें वहाँ से आना था, अब जब मैंने वीडियो इसमें देखा मेरी रिकॉर्डिंग में। और तब तक मतलब हम ढूंढ ही रहे थे हमारा कहाँ पर है, इस केव के किस तरफ है, मैं तो इधर देख रहा था यार शायद इस केव के इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। और फिर हम लोगों ने सोचा कि ऊपर डिक करें, और मुझे थोड़ा सा एमरल्ड मिल गया, तो मैंने एक ही एमरल्ड मिला यार, थोड़ा सा नहीं। और फिर अब मैं बना रहा था सबसे महान चीज़ द नेदर पोर्टल। और यार ये सस्ता वाटर बकेट ट्रिक आप भूल जाओ, या मतलब मैं करना चाहता था क्या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने लेफ्ट राइट क्लिक भी नहीं दबाया। और फिर जब हमारा पोर्टल बना, हाँ हीरो ब्रेन ऑर्ग में नेदर पोर्टल नहीं बनता गाइस, उसमें हमें और एक पोर्टल से जाना होता है जो स्टार्टिंग में आता है। इतनी मैं ये नहीं चाहता था, पर यही है गाइस, हम लोग हमारे ओवर वर्ल्ड में नहीं बना सकते नेदर पोर्टल। पता नहीं क्या, अगर मैंने कुछ गलती की तो आप मुझे इसमें बता दीजिए कमेंट्स में। यार मैंने तो सही किया था ना। और फिर मैं बनाने चले गया, मैंने एक ये बना लिया था, क्या ये बना लिया था, एन्चेंटिंग टेबल। और मैंने आइल के बुक्स तोड़ दिया, और सही में मुझे है ना बुक्स का, अब मुझे और एक बार बुक कैसे बनाना मुझे नहीं पता था, पर आहिल को पता था इसलिए आहिल ने बना लिया। और मैं इसमें ये टाइप कर रहा था कि यार नेदर पोर्टल कैसे बनाते हैं, और एक एक इंसान ने बोला कि मुझे टीपीए करो अगर तुम्हें स्पॉनर मिला, तो आहिल को स्पॉनर मिला था तो मैंने उसे टीपीए भेज दिया, पर उस वो टीपीए नहीं हो पाया। और फिर हम लोग फिर मैंने सोचा कि मैं एक, यार सो तो नहीं सकते ना,
सो मैंने सोचा कि हम लोग एक इंचांटिंग रूम बनाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा चेस्ट रूम था तो मैंने इंचांटिंग हम लोगों ने इंचांटिंग रूम का ये करना स्टार्ट कर दिया। मैं ही कर रहा था, आहिल तो आहिल क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। फिर आहिल ने भी हमारी थोड़ी हेल्प कर दी। मैं तो पहले बाउंड्री बना रहा था इसका, और फिर यार मेरी कॉबल स्टोन खत्म हो गया, तो कॉबल स्टोन नहीं स्टोन्स ख़त्म हो गया। फिर मेरे पास और एक स्टैक 64 था तो मेरे इन्वेंट्री में, तो मैंने और ये कंप्लीट नहीं कर पाया मैं। फिर आहिल ने बोला यार मैं स्लैब इसका स्टोन का लगा दूँ, पर मैंने बोला कि मैं स्प्रूस वुड का लगाऊंगा, तो मैंने ऐसे करके स्टोन लगा दिया और उसने इंचांटिंग टेबल वहाँ पर रख दिया बीच में। और फिर से हम लोग ने घर बनाना शुरू कर दिया, और मैंने सोचा यार इतने सारे इसका मैं क्या करूँ, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया था। और मेरे फार्म की तरफ देखा और मेरा फार्म नहीं हुआ था, और आहिल ने फिर से अपना ये जो है ना इसमें रख दिया था, और मैंने बोला डायमंड मैं अपने पास रखता हूँ और यहाँ पर हम लोग स्टोन से कवर कर देंगे ताकि कोई भी ना पाए, किसी को पता भी ना चले, ठीक है। तो फिर मैंने आहिल ने बोला यहाँ पर ऐसे एक स्टोन का ये रख देते हैं, और फिर स्टोन स्लैब्स का ये रख देते हैं, और फिर इसका तुम ये कर लेना। और फिर हम लोगों ने मतलब मेरा पिकैक्स का इंचांटमेंट तो चला गया था क्योंकि मैंने निकाल दिया था आयरन से मर्ज करके, ठीक है। और जब और फिर मैंने अपने इससे ये बना दिया पिकेक्स को, इंचांटेड पिकेक्स को फिर से हील कर दिया, और मैं फिर से बाहर चले गया। और आहिल को वहाँ पर थोड़ा सा शुगर, 2 शुगर केन मिला, और हमारा थोड़ा सा क्रॉप्स भी उग चुके थे। और गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, और मैं हूँ अरफा।